तो ये पहला पोज हो चुका है और पोज के बाद रील क्या क्या बनी है दोनों की दिखा दे। बॉम्बे में एक्टर आते थे, कहाँ गए वो? जूते अपने हाथ में है क्योंकि पैर हो रखे हैं मिट्टो मिट्टी। गोयर का एक्सपीरियंस भैया अच्छा नहीं है। अच्छा वो मैं लाइव करा, इट्स अ जोक। 1020 रुपीस पार्किंग है चंडीगढ़ एयरपोर्ट, 600 कुछ रुपए लगे थे हमारे। Nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Good morning, जी। एक बार फिर से बज़ूका वर्ल्ड में आपका स्वागत है। सुबह के 7:30 बज चुके हैं और ये अर्ज भाई रेडी हो चुके हैं। अभी क्या है कि हम लोग टारगेट करेंगे 7:30 मतलब 1.5 घंटे, मतलब यहाँ के 9 बजे वापस आ जाएँ और फटाफट कुछ छूट करने जा रहे हैं बीच पे। बीच में आपको दिखाता हूँ समुंदर यहाँ से हो रहा। तो चलिए बीच पर चलते हैं बज़ूका वर्ल्ड में। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका। इट्स ऑल बज़ूका। बीच में आए तो बीच को यूज़ किया जाए, वहाँ पर कुछ रील शूट की जाए और एक आधा प्रोमो शूट किया जाए क्योंकि 1 बजे की फ्लाइट है। मैंने अपने कपड़े सारे यहाँ पर डाल लिए हैं, 2-3 टी शर्ट्स रख ली हैं, जैकेट्स रख ली हैं। हेलो सर, क्या हाल है सर? वाह वाह, जब कोई सुबह सुबह हंस के बुला देना मजा आ जाता है। अरुण भाई ने वादा किया कि कुछ अलग से कंटेंट कुछ क्रिएट होने वाला है, तो आई डोंट नो क्या क्रिएट होने वाला है, बस ऑल टू अरुण भाई। तो ये पहला पोज हो चुका है और पोज के बाद रील क्या क्या बनी है दोनों की दिखा दे। मतलब अभी दिखा देते ना, वो तो एडिट वाल भी होगा ये सारा। दिखा दे क्या क्या बने, तो क्या क्या पोजे शूट किए हैं वहाँ से आ चुके हैं। अब सेकंड ब्लॉग ढूंढेंगे, वहाँ पर शूट करेंगे। बॉम्बे की ना एक और चीज़ रह गई थी हमारे से, वो थी नारियल पानी। और भैया अभी थोड़ा सा फोटो शूट किया है, थोड़ी सी रील की है और ये अरुण भाई और मैं। और हाँ आप भी पियो। यहाँ सुबह सुबह जो बीच में एक्टर्स आते हैं, आते थे ना, आते थे, हाँ गायब हो गए। अभी बॉम्बे में एक्टर आते थे, कहाँ गए वो? वो गए अभी, अभी लॉकडाउन था ना, अभी फिर से आएगा वो लोग। तो भैया फोटो शूट थोड़ा बहुत जो होना था वो हो चुका है। जूते अपने हाथ में है क्योंकि पैर हो रखे हैं मिट्टो मिट्टी। और हमारा होटल साथ ही था तो हमने सोचा, अरुण भाई ने बोला कि जूते हाथ में पकड़ के होटल में जाया जाए। फिर से मुंबई चलना शुरू हो गया। ये भाई साहब ने मदद की हमारी, हम इनकी मदद करेंगे आपको बहुत सारी यहाँ पर। अब शाहरुख खान आपको कास्ट कर ले अपनी फिल्मों में। चलो बाय बाय दादा, आप लोग की सेवा करना। चलिए चल पड़े हैं भैया वापसी की और। तो ये अरुण भाई, ये मैं, मुंबई एयरपोर्ट एंड गोइंग बैक टू चंडीगढ़। तो अरुण भाई कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस शूट करने का? बहुत बढ़िया रहा, बहुत ज़्यादा शूट किया आज हमने। ये वही एयरपोर्ट है जिसमें डरावना मंजर था ऑन 24th मार्च। अच्छा, गांव जब मैंने वीडियो बनाई थी यहाँ पर कोविड का सारा चल रहा था और फिर वही गलियाँ, ये सारा कुछ बंद था। इवन अन भाई यहाँ पर नया नया कोरोना था, सब डरे हुए थे और यहाँ पर पानी वानी भी नहीं था। अगर आपने व्लॉग देखा होगा तो उसका लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप देखना यार। वो व्लॉग मेरे वन ऑफ द फेवरेट व्लॉग्स है बेसिकली, स्टार्ट टू एंड। बहुत सारे लोगों ने व्यूज़ इतने ज़्यादा नहीं है लेकिन जितने व्यूज़ मिले हैं ना तो उसका रीच टाइम काफ़ी ज़्यादा है। और जितने लोगों तक रीच हुई उन लोगों ने ये बोला कि हमें, हम वीडियो से हट ही नहीं पाए। और यहाँ पर अरुण भाई अपनी रील शूट कर रहे हैं। 2:02 हो चुके हैं और भैया सबसे खास बात है कि अपनी फ़्लाइट लेट हो चुकी थी और फाइनली लाइन लग चुकी है। बहुत लंबी लाइन थी, काफ़ी देर से लगी हुई है और एज यूजुअल सबसे एंड में जाता हूँ लाइन में कौन लगे। तो ये फ़िलहाल ये फ़्लाइट भरी जा रही है तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लेट। सब पता है फ्लाइट छूट ना जाए या आगे छूट जाए, पहले लोग लाइन में, हाँ पहले लाइन में। हम तो आखिर में लगते हैं भैया, बोर हो गए एयरपोर्ट पे आके। यार ये जो गो एयर का मालिक है उनसे रिक्वेस्ट है कि भैया ये मेन्यू दे रखा है, कॉर्पोरेट मील्स दे रखी है, लेकिन क्या होता है कि आते टाइम भी एक्सपीरियंस हुआ था कि ये लोग ना मटेरियल ज़्यादा
कैरी नहीं करते हैं। अभी भी हमने बोला कि कॉर्पोरेट मील में सैंडविच खिला दो नॉन वेज, कह रहे एक वेज मिलेगा एक नॉन वेज, बाकी फिलहाल अरेंज कर दिया इन्होंने, पता नहीं कहाँ से अरेंज किया। फिर उसका जूसेस के बारे में ऑप्शन आ रही है, लेकिन जूसेस भी कैरी नहीं किए, आधे टाइम तो सैंडविच भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो ये लोग कहते हैं कि भैया सुबह से फ्लाई कर रहे हैं या फिर एक सर्किट से दूसरे सर्किट जा रहे हैं, तो इनसे निवेदन है जो भी जो होता है एस वाई डी साहब, जब आप एक सर्किट से दूसरे सर्किट जाते हो तो वहाँ पर केटरिंग का इंतजाम करो यार। सिंपल है, क्यों प्योर वहीं को चाहिए। अगर आप आरे बब्बर साहब ने बड़ी अच्छी वीडियो बनाई, ठीक है, अच्छी बात है, थोड़ा सा इनका सिस्टम खराब है स्पेशली वो एयर। पहुंच गए हैं भैया चंडीगढ़। गो एयर का एक्सपीरियंस भैया अच्छा नहीं है? नहीं अच्छी है, फ्लाइट तो सबसे बड़ी फ्लाइट है। फ्लाइट का क्या भैया, बंदे जो अंदर बोल रहे हैं बाहर रिसेप्शन में बोल रहे हैं, मेन तो उनका भी होता है ना वे ऑफ टॉकिंग। क्रूज स्पेस इतना जबरदस्त, बताओ यार जहाज के ऊपर थोड़ी ना जाना है भैया। ये चाबी निकाल ली, अब चाबी के क्या क्या करने का। ओह आवाज आ गई, अमीर को जल्दी से गाड़ी की चाबी निकाल दी यहाँ लेके आने का, आपकी गाड़ी की मालूम है। और यहाँ देखते हैं कुछ स्पेस बची है। इट्स अ जोक, अरे बाबर का डायलॉग याद हो गया भैया, आज सुबह से ही इट्स अ जोक कर रहे हैं हम लोग। हाँ ये लाइट रह जाती है, एक बार रहनी अरुण भाई ने गुम कर दी थी एक बार, बोले मेरा नाम नहीं आते हैं। मैं यहां मैं तो कोई गलती करता नहीं भैया, आपको पता ही है। I'm new come back better than last year, जय माता दी। इट्स अ जोक भैया, इट्स अ जोक, वी आर कमिंग फ्रॉम बॉम्बे एंड वी हैव शॉट सो मेनी रील्स, इट्स अ जोक। मेरे को तो लगता है रील शूट कर देंगे थे। ये एपिसोड का नाम होगा एन एपिसोड डेडिकेटेड टू आर ए बब्बर साहब, क्योंकि उनका जो डायलॉग है ना, उनका डायलॉग अब देखना ये है कि ये टिकट हमें महंगी पड़ती है, क्योंकि अगर मैं आता यहाँ पर तो 200 रुपया मेरे को लगता टैक्सी का, जाते टाइम 500 रुपया नेगोशिएट करके। पैसे ज़्यादा मत मांगना, आज है नहीं हमारे पास, हम सारे खर्चा है बस 1020। ये किस हिसाब से? तो तीन दिन, तीसरा दिन आ गया हूँ, 1020 यानी कि आपको टैक्सी सस्ती पड़ेगी अगर बाहर से आओगे, और आपकी काट देंगे है ना। पर मैडम कोई जरिया बना दो 1000 ना देने का। अच्छा वो मैं ड्राइव कर रहा हूँ, इट्स अ जोक, 1020 रुपीस पार्किंग एट चंडीगढ़ एयरपोर्ट, 600 कुछ रुपए लगे ये तो जोक हो गया भैया, 1000 के देखो 864 प्लस जीएसटी 156, इट्स अ जोक, थैंक यू मैडम। जोक क्रैक करने के लिए, इट्स अ जोक भैया। चलो इसी जोक के साथ अरुण भाई कुछ बोलेंगे। ये डिसाइड हुआ है कि अगर किसी ने यहाँ पे एक दिन से ज्यादा, हाँ एक दिन से क्या, वैसे भी आओ तो बाहर से टैक्सी करके आओ, और यहाँ बाहर बिल्कुल वही से टैक्सी करो, अंदर से ना करो, तो बाहर पार्किंग के पास से। इट्स अ जोक, 1000 रुपए का पेट्रोल लग गया मेरी गाड़ी में, आपको आराम से आ जा सकते हो, या किसी रिलेटिव को बोल दो कि भैया छोड़ दो, वो ज्यादा जोक अच्छा रहता। अच्छा इसीलिए रिलेटिव लाने आते हैं, छोड़ने आते हैं। चलिए आगे नहीं पीछे, तो इसी जोक के साथ बाहर निकल रहे हैं, सुबह बहुत आ रहे, और यहाँ बंद कर देते हैं, अब घर जाके बाय बाय कर देंगे, और आपको भी बाय बाय कर देंगे, रास्ते में कोई चीज़ दिखेगी, कोई जोक दिखेगा तो वो सुनाएंगे, क्योंकि आज है जोको फ्राइडे, इट्स अ जोक, सामने देखो रोड कितनी अच्छी है। Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer.